हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सिक्स में मैथ का चैप्टर नंबर सेवन जिसका नाम है फ्रैक्शन, उसको डिस्कस करेंगे। ये भी चैप्टर दो पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग थ्योरी सेशन पूरा देखेंगे, उसके साथ साथ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम पूरा फोकस जो है न्यूमेरिकल्स पे रखेंगे। उसी के साथ साथ आपका जो है समरी पोर्शन होगा। लेट अस बिगिन दिस चैप्टर। क्या है, व्हाट इज अ फ्रैक्शन? यहां पे फ्रैक्शन को डिफाइन किया गया है। ए फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ ए होल नंबर। यहां क्या कह रहा है, ये पहला लाइन क्या, फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। हम लोगों ने होल नंबर के बारे में पहले भी डिस्कस किया, तो फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर का एक पार्ट होता है। एक पार्ट होता है, जैसे वन होल नंबर है तो इसका एक पार्ट वन बाय टू या वन बाय थ्री, ऐसा वन इज होल नंबर। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो बिटवीन टू इंटीजर सेपरेटेड बाय ए सॉलिडस। ये कह रहा है कि ये कैसे है, इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो, रेशियो बिटवीन टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स जैसे वन एंड टू का रेशियो। ठीक है, रेशियो इसका क्या मतलब हुआ, वन बाय टू, ये जो वन बाय टू है इसी को कहते हैं एक्सप्रेस करना, सॉलिडस इस तरह का वन बाय टू, ये वन अपान बी। ठीक है, इस तरह का। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे वन क्या है, इट इज इंटीजर और यह भी इंटीजर है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, होल नंबर भी है। अब यहां पे अगर माइनस वन बाय टू होता तो ये चीज हो जाती, तब इंटीजर्स हो जाता। तो कहने का मतलब ये वन बाय टू भी हो सकता है, माइनस वन बाय टू भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन, इसलिए यहां पे ये वर्ड इंटीजर्स यूज किया गया है। और ये एक वर्ड का होल नंबर, एक होल नंबर का कुछ पार्ट हो सकता है, ये क्या हो सकता है, इफ वन इज होल नंबर देन वन बाय टू इज ए पार्ट ऑफ वन, ये हुआ ना। तो कहने का ये मतलब है कि अगर इफ वन होल नंबर है तो वन बाय टू इसका एक पार्ट है, हिस्सा है, क्योंकि आधा है, होल नंबर का आधा है, इस होल नंबर का आधा है। ठीक है, यही कहने का मतलब क्या कह रहा है, फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। ठीक है, किसी होल नंबर का हिस्सा, मतलब वन का वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, या वन को दो भागों में हमने बांट दिया तो ये किसका एक पार्ट हुआ, ये मतलब हुआ। ठीक है, द नंबर इज इन द अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज टर्म एज न्यूमरेटर। यहां पे क्या कह रहे हैं कि कोई इस तरह का कोई है तो ये जो पहला वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डेनोमिनेटर, डाउन। ठीक है, डिनोमिनेटर को डाउन से समझिए, डाउन मतलब नीचे। ठीक है, तो इसको डिनोमिनेटर को इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि डी से डाउन होता है, डाउन से आपका नीचे वाला। तो कोई फ्रैक्शन है ये क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। ठीक है, ये इट इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शन है ए अपॉन टू, इसको ए अपॉन टू, ए अपॉन टू, सॉरी ए अपॉन बी पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं ए अप ऑन बी, ऐसे इसको रीड करते हैं, इसको ए अप ऑन बी। ठीक है, ऐसा रीड करते हैं। यहां पे द नंबर इन द अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज टर्म एज न्यूमरेटर, फेयर नंबर इन द लोअर पार्ट इज टर्म एज डिनोमिनेटर। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर अ फ्रैक्शन, ये फेयर थ्री इज, यहां पे क्या है, थ्री अपॉन ट्वेल्व, तो ये इसको, ये क्या है, न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर, अब ये आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, इट रीड एज, इसको कैसे, थ्री
ट्वेल्थ क्या है, थ्री थ्री ट्वेल्थ, तीन थ्री अपॉन ट्वेल्व ऐसे पढ़ सकते हैं, थ्री अपॉन ट्वेल्व, ये भी पढ़ सकते हैं, थ्री अपॉन ट्वेल्व या थ्री ट्वेल्थ, थ्री ट्वेल्थ तीन का बारहवा भाग, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, तीन का बारहवा भाग, हिंदी में तीन का बारहवा भाग, इसका क्या मतलब और बता दें, हम तीन ले, तीन को बारह बारह बराबर बराबर भागों में बांटे, ठीक है, ऐसा है, तीन को बारह बराबर ऐसे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, दस बार, ग्यारह बार, बारह बार, बारह हो गया, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन इलेवन ट्वेल्व, बारह टाइम हो गया ना, ट्वेल्व टाइम हो गया, ये कह रहा थ्री फोर्थ मतलब थ्री ट्वेल्थ, इन बारह में से तीन हिस्सा, ये तीनों को लेने से क्या बनेगा, इन लोनों से आपका बनेगा थ्री अपॉन ट्वेल्व, इन तीनों को तीन वन अपॉन ट्वेल्व वन अपॉन ट्वेल्व तीन बार ले दे तो क्या है, तीन हिस्सा, बारह थ्री के बारह हिस्सा किया जाए, उनमें से तीन हिस्सा अगर हम ले लें तो बन जाता है थ्री अपॉन ट्वेल्व, क्या है थ्री ट्वेल्थ, ये मतलब है इसका कहने का, ये मतलब, ठीक है। और हम आगे देखेंगे और चीजों को और डीप में देखेंगे, ये फिर से इंट्रोडक्शन का है, ए फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल नंबर, वही है सेम है, द होल मे बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जैसे एग्जाम्पल वन अपॉन टू थ्री फोर, सेम वही है, छोटा छोटा, जैसे यहां पर कह रहा है ये होल है, इसी के दो पार्ट कर दिए गए, ठीक है, यहां से इसको काट दिया गया, तो ये पार्ट क्या होगा वन अपॉन टू, फिर ये वाला भी पार्ट वन अपॉन टू, दोनों को आधा आधा जोड़ने से क्या था वन होल हो जाता है, पूरा हो जाता है, यही कहने का मतलब है, ठीक है। इसको क्या होल नंबर, होल मतलब पूरा नंबर, फ्रैक्शन मतलब उसका कुछ हिस्सा, हिंदी में उसको हिस्सा कहते हैं, सिंपल ही सी बात है। तो जैसे यहां पे कह रहा है, अब यहां पे क्या है वन अपॉन टू, इसका क्या मतलब है, कोई वन के हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, वन को उसमें से उसका एक हिस्सा, जैसे ये यहाँ पे थ्री अपॉन सेवन है, इसका क्या मतलब हुआ, थ्री को सात बराबर भागों में बांटा गया, तीन को सात भागों में बांटा गया है, ये मतलब हुआ, और उसमें से तीन हिस्सा लिया गया पांच, ठीक, ये हो गया सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, इनमें से तीन हिस्सा लिया गया है, ये तीन हिस्सा ले लिया गया तो ये हो गया थ्री बाई सेवन, ये कितना है इस, ठीक है, तीन का तीन का जो है तीन का इसका तो थ्री अपॉन सेवन पार्ट है, ठीक है, सात में से तीन हिस्सा ये है, यही केक है, अगर इसको ठीक है कोई तीन केक हो, अगर तीन केक हो तीनों को इस तरह मिला के एक बड़ा केक बना जाए, या तो कुछ हो कोई नंबर हो उसको जो है साथ कोई चीजें हैं आगे देखेंगे, तो कोई तीन की क्वांटिटी में कोई चीज रखी हो उसको सात बराबर भागों में बांटा जाए, दैट इज मतलब, अगर तीन केक हैं इन तीन केकों को, एक केक यहाँ और ले लीजिए, इन तीन को केकों को मिक्स करके एक बड़ा सा केक बना दीजिए, ठीक है, अब उस केकों के सात बराबर भाग कर दीजिए, ठीक है, सात एक दो तीन चार पाँच छः सात, ज़्यादा हो गया, ठीक है, वही कहने का मतलब है, कोई तीन चीज़ें उनको मिक्स करके उनके सात बराबर भागों में बांटना है, इस तरह का ऐसा मतलब है, तीन लड्डू हो सात लोगों में बांटना है, ऐसा तीन लड्डू हो सात लोगों में बांटना, तो क्या अगर तीनों लड्डों को मिक्स करिए फिर उसको सात बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ थ्री बाई सेवन।
यहाँ पे जैसे ये दिखाया गया कि कैसे फिगर में दिखाए, जैसे ये ग्रीन कलर 1/2 रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे पार्ट का, जैसे इसमें एक 1/2 पूरे को 4 भागों में बांट के एक लिया गया है, जैसे इसको पूरे को 3 बराबर भागों में करके एक लिया गया है, इस तरह पूरा सर्किल है इसमें से 3 भाग को कलर किया गया तो ये 3/4 हो गया, ये रिप्रेजेंट किया गया है। अब फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने? 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स। देखते हैं एक एक करके। पहला फ्रैक्शन क्या है? यहां पे कह रहे हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स, ठीक है, लाइक अनलाइक, इस तरह के फ्रैक्शन है। तो कह रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इसमें क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन में? क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन में? हमेशा क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले से बड़ा होता है, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ये आपका न्यूमरेटर एन से कर देते हैं, इसको डी से। तो यहां देख लीजिए दोनों में, दोनों में क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यहां पर भी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यही है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, हमेशा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा। इम्प्रॉपर में बस इसका उल्टा होगा, इम्प्रॉपर में क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जैसे यहां पे 5/4 है, 7/3, यहां पे जो है ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, देखिए यहां 5 4 से बड़ा है, इसी तरह ये 3 से बड़ा है, ठीक है, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मिक्स फ्रैक्शन क्या है? मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? उसमें एक होल नंबर होता है और एक पार्ट दोनों मिला होता है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन इज कंसिस्ट ऑफ ए होल नंबर एक प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे ये 16 3/7, ठीक है, या 3 4/5, ये नंबर है। तो ये क्या है, इसको मिक्स फ्रैक्शन। इसमें क्या है, दो पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है, एक होल पार्ट है, ठीक है, इसमें दो पार्ट है। सो ये वाला आपका क्या है, होल पार्ट है। अभी इसको करो, ये वाला जो है पार्ट आपका, ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन है। स्कोर समझाता हूं डिटेल में, कहने का मतलब ये 16 3/7, इसको लिख सकते हैं 16 + 3/7, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस फ्रैक्शन दो पार्ट में, ये होल पार्ट है, ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये इस तरह आता है। अभी इसके अंदर हम और डीप जाएंगे आगे, एक और देखते हैं, जैसे 3 4/5, इसको लिख सकते हैं 3 + 4/5, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका होल पार्ट होगा, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब कह रहे हैं एक लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, देखना है ये वाला पार्ट क्या है लाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या है, अगर दो फ्रैक्शन है आपस में, जैसे ये दो फ्रैक्शन है, तो इनके डिनोमिनेटर नीचे वाला सेम होगा, एक ही तरह का होगा, एक ही तरह का होगा मतलब समान होगा, तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। कि जैसे इसका डिनोमिनेटर 15 है, इसका भी 15 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन होगा। अनलाइक में जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें न्यूमरेटर सेम होंगे, ठीक है, इसमें जैसे 2/7 6/28, तो इसमें ये इसका न्यूमरेटर जो है सेम होगा, डिनोमिनेटर देखिए डिफरेंट है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को अनलाइक कहेंगे। तो ध्यान रखना है बस, आप लाइक में आपको डिनोमिनेटर सेम होने हैं, अनलाइक में जो है न्यूमरेटर सेम होंगे बस। हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में देख ही लिया था, इन प्रॉपर फ्रैक्शन वही चीज है, मिक्स फ्रैक्शन में भी हमने देख लिया था। एक यहां पे ये बता रहा है कि सपोज करिए ये 3 है, ये क्या है, इन प्रॉपर है,
तो इसको क्या करते हैं, ऐसे अगर इसको देखें 3 से 11 का हम डिवाइड करें, 3 जा 9, 2, तो ये क्या आपका रिमाइंडर बचेगा। तो ये फ्रैक्शन लिखा जाएगा, इसको लेंगे, ये जो जो यहां पे जो आएगा इसको कहेंगे कोशेंट्स कहते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कोशेंट्स होता है जिसको भागफल कहते हैं हिंदी में, भागफल कोशेंट्स 3, और दिस इज आपका क्या है रिमाइंडर। ठीक है, यहां पे आपका रिमाइंडर आता है और नीचे क्या है डिवाइजर, इस तरह का। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन मिक्स फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया जाते हैं, या मिक्स फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है। क्या आप कहने का मतलब है, मिक्स फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड पार्ट, इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो यही है, कोई जैसे यहां पे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको इस तरह लिखा जा सकता है। तो यहां जो आता है कोशेंट, यहां पे आता है रिमाइंडर और नीचे आता है डिवाइजर। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे ये क्या है डिवाइजर, सॉरी ये हो गया रिमाइंडर, ये आपका होगा डिवाइजर, ये आपका कोशेंट। ठीक है, जैसे हमने डिवाइड करके आपको दिखाया था, बस वही है। यहां पे यही बताना चाह रहा है कि कैसे इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। जैसे अभी ये ही क्वेश्चन को हमने उधर हमने बदल के दिखाया था, यहां पे ये है। ठीक है, अब यहां पे जैसे एक और एग्जांपल्स हैं, इसमें क्या है कि मिक्स फ्रैक्शन है 7 2/3, इसको चेंज करना है इनटू इम्प्रॉपर। ठीक है, अब ये चेंज इनटू इम्प्रॉपर क्या है, तो इसके लिए तरीका क्या है, सिंपली सी ये होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना होता है 7 × 3 प्लस 2, ये नीचे वही रहता है। तो इसका इन दोनों का, इस नंबर का, इस कोएफिशिएंट्स का और डिवाइजर का मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर जोड़ देते हैं, तो आपका ये 7 × 3 = 21 प्लस 2 = 3, तो ये आपका कितना हो गया 23/3। तो ये आपका जो है यहां पे ये आ गया, यही वाला देख लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी था, ये वाला 11 = 3:2 हमने लिखा था, इसको फिर से कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्मेट में, तो क्या है इसका इसका इसमें 3:2, फिर यहां पे जो है उसको एस ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस 2/3 दैट इज 11/3। तो इस दोनों में क्या किया हमने, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर को मिक्स में बदला, फिर दूसरे पार्ट में हमने क्या किया, मिक्स को इम्प्रॉपर में बदला, एक दूसरे के आगे पीछे बदला। अब एक और है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये नथिंग बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कि कोई भी फ्रैक्शन अपने आप उसी के बराबर हो, जैसे ये यहां पे 1/2 और 2/4 कह रहा है दोनों बराबर है, कहने 1/2 = 2/4। ठीक है, ये बराबर है, क्यों बराबर है, देखिए 1/2 = ऊपर क्या है 2 × 1, ये 2 × 2, तो दोनों में क्या है कॉमन है, दोनों में आपस में कॉमन होने के कारण ये 2, तो ये किसी में किसी का भाग दे दीजिए, 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, ठीक है आंसर 1 आएगा, इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा 1 × 1/2, तो 1/2 ही तो हुआ, ये हुआ ना ये, तो क्या हुआ इक्विवेलेंट मतलब बराबर है, उसी के बराबर होना, इक्विवेलेंट मतलब उसी के बराबर है। तो यहां पे दिखा दिया गया कि दिस इज, कोई और एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है 1/3 ले लीजिए, सिंपल ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये
ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, कैन यू 1/3 इज इक्वल टू 3/9। ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बराबर क्यों होगा, यहां पे देख लीजिए ये 1/3 है, ये क्यों होगा, ये 3 × 1 लिख सकते हैं, इसको 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा 3 और 3, ये 3 में 3 का अगर हम डिवाइजन करेंगे तो क्या आंसर 1 आता है, 1 × 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट 1/3 और ये वाला पार्ट भी क्या होगा 1/3। इसलिए देयरफॉर 1/3 इज इक्विवेलेंट टू 3/9। तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये इक्विवेलेंट का मतलब। अब कह रहे हैं दो फ्रैक्शनों को हमको ऐड करना है, अगर दो फ्रैक्शन दिए हैं तो उनको जोड़ना है। तो जोड़ने में दो तरह के, जब दोनों फ्रैक्शन क्या प्रॉपर है, पहला कंडीशन इफ बोथ आर ऑल गिवन फ्रैक्शन इज प्रॉपर। कहने का मतलब क्या है कि सारे फ्रैक्शन अगर प्रॉपर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे फ्रैक्शन प्रॉपर हैं तो उसको कैसे ऐड करेंगे। सिंपल है, प्रॉपर का मतलब क्या हुआ हम बता दिए, प्रॉपर हो ठीक है एंड लाइक भी हो, लाइक फ्रैक्शन ठीक है, प्रॉपर भी हो लाइक फ्रैक्शन। हमने बताया लाइक फ्रैक्शन में क्या है, प्रॉपर यहां दो वर्ड है, प्रॉपर है, प्रॉपर का मतलब हम फिर से बता दे रहे हैं, प्रॉपर मींस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ऊपर वाला जो होता है वो छोटा होना चाहिए नीचे वाले से, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। लाइक में मतलब क्या हो, लाइक का मतलब क्या हो, डिनोमिनेटर सारे के सभी के डिनोमिनेटर क्या सेम होते, इक्वल होते, तब कैसे एडिशन होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हर कंडीशन आ जाएगी यहां पे, ये सबसे सिंपलेस्ट कंडीशन है। सबसे सिंपलेस्ट क्या है कि लाइक भी हो प्रॉपर भी हो। तो जैसे यहां पे एक एग्जांपल है 1/3 + 7/3, ऐसा एक एग्जांपल है। ये फ्रैक्शन पे अगर आप ध्यान दीजिए तो ये इस क्या है, प्रॉपर भी है ठीक है, और इसको ध्यान देंगे तो ये प्रॉपर नहीं है ठीक है, ये प्रॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक है ठीक है, लाइक है ठीक है, लाइक है तो आपका काम हो जाएगा, अगर लाइक नहीं होता तो दिक्कत हो जाती ठीक है। तो लाइक है दोनों, तो आपका एडिशन बहुत आसान है। इनको सिंपली से क्या है, अगर दोनों को लाइक है तो यहां कॉमन 3 ले लेते हैं, वहां 1 + 7 कर देते हैं, जैसे 8/3 आ जाता है ठीक है। क्या कहने का मतलब यह है, अगर ये दोनों जो है लाइक हैं, अगर प्रॉपर या इम्प्रॉपर भी हो लेकिन अगर लाइक हैं तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन तीनों में सेम है इसलिए एक ले लेंगे, ऊपर वाले को सिंपली ऐड कर देंगे 8/3। इसको मिक्स में बना सकते हैं ठीक है, डिवाइड करेंगे 3 × 2 = 6, 2 रिमाइंडर आएगा, ऐसे आप कर लीजिए 3 × 2 = 6, 2, ये आपका होल पार्ट आ गया। तो इसको कैसे लिख देंगे, ये 2 यहां आ जाएगा, ये 2 यहां हो गया और ये वाला 2 यहां पहुंच गया और ये वाला यहां पहुंच गया, ये आपका 2 × 2 ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह एक दूसरा भी है, यहां पे ये थोड़ा सा अलग है ठीक है, इसमें क्या है, ये आपका ठीक है लाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, लाइक फ्रैक्शन थे, अब अनलाइक है तो मींस ठीक, अनलाइक मींस क्या हुआ, अनलाइक मींस डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा
ठीक है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा मतलब अलग अलग होगा, अनलाइक है तो तब एडिशन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 1/3/2/4 ऐसा है, तो यहां पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हम पहले सोच पढ़ चुके हैं, एलसीएम निकालना 3 और 4 का, 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का। तो यहां पे एलसीएम क्या होगा, अगर 3 का हम करेंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टर करेंगे तो ऐसा होगा, 4 का फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 1, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है 1 कॉमन है, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा 3 × 2 × 2 दैट इज 12, 3 का एलसीएम क्या हो गया 12 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारा सेकेंड स्टेप एलसीएम लेके, आपका पहला स्टेप क्या हो गया, पहला स्टेप है डिनोमीटर का एलसीएम, एलसीएम ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लायर, ये हो गया। अब क्या है, ये जो है ये ध्यान देना है, ठीक है, इसका जो है इससे डिवाइड कर सकते हैं 3 से, पहला दोनों का कॉमन है, तो कुल मिला के ये देखना है कि हमको जो है ये, जैसे ये 12 क्या है आपका 12 = 3:4 है ना, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट 3 पार्ट जो है इसमें भी है, ठीक है, इसमें 3 है, इसका मतलब जो नहीं है, जैसे इसके एलसीएम में क्या है 3 भी है, तो जो पार्ट नहीं है वो यहां पे लिख लेते हैं, जैसे इसमें 3 और 4 है तो इसका मतलब इसमें 3 है तो 4 नहीं है, तो 4 ऊपर लिख लेंगे और फिर यहां प्लस लगाते। इसी तरह इस वाले में देखेंगे, इनमें कंपैरिजन करेंगे कौन सा नहीं है, तो इसमें ये वाला तो है, ये 3 नहीं है, तो इसका मतलब यहां 3 लिख लेंगे और फिर ऐड कर देंगे 7/12 ऐसे आ जाता है। तो ये इसका आंसर, सॉरी यहां पे 2 भी है, हमने गलत किया, यहां 3 होगा प्लस पहले से 2 है तो उसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं 1/3 + 2/4 है, ऐसा है, ठीक है। तो इसको इन दोनों का एलसीएम जो है 12 हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम 12 हो जाएगा, और ये नीचे लिख दिया एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये चीजें इसीलिए पहले क्लासों में पढ़ा दी गई क्योंकि आगे जरूरत पड़ती है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ये इसका अगर हम एनालिसिस करते हैं इसके एलसीएम का, तो ये क्या होगा 3 × 4 होता है। तो यही कहने का मतलब इसमें जो है जो पार्ट है, जैसे 3 और 4 है तो इसमें इसमें 3 और 4 है, ये 3 × 4 है, तो यहां इसकी जगह इस वाले की जगह क्या करेंगे, ये वाला जो नहीं है वो ऊपर ले लेंगे और यहां 1 ऊपर लेके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 1 जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। ध्यान से देखिए, फिर यहां पे देखिए ये वाला पार्ट, इससे कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे जो नहीं है इनमें, इसमें क्या है ये वाला नहीं है, ये पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, इसका जो पहले से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ 4 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, नीचे 12 रहेगा, दैट इज 10/12। इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 5, नीचे क्या हो जाएगा 2 × 6, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं, दैट इज 5/6, ये आ जाता है। और हम देखेंगे और एक्सरसाइज देखेंगे तो और आएगा। इसी तरह सब्सट्रैक्शन का फ्रैक्शन है, सब्सट्रैक्ट करना है, यहां पे 2 नंबर है, एक -3 + 7/3, इनमें देखिए दोनों के लाइक फ्रैक्शन है इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं, यहां 3 लिख दीजिए, क्योंकि रीजन क्या है हमने वही बताया, 3 है और कोई है नहीं, इसलिए सीधा से 1
ऐसा आ जाता है, या वन ही रहने चाहिए, वन से मल्टीप्लाई। अब दोनों में सेम ही है तो कुछ न, एक ही कॉमन है, तो यहाँ सेवन आ जाएगा। तो यहाँ क्या माइनस वन प्लस सेवन बाई थ्री देखेंगे तो इन दोनों का सिक्स बाई थ्री आ जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर टू आ जाएगा। कोई यार एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, ये माइनस फाइव बाई सिक्स। इन दोनों का एलसीएम, फोर और सिक्स का एलसीएम लेंगे, ठीक है। फोर एंड सिक्स एलसीएम, ये क्या हो जाएगा, वैसे ट्वेल्व होता है मुझे पता है, लेकिन चाहे तो आप निकाल लीजिए। फोर को कर लीजिए टू इंटू टू, सिक्स को कर लीजिए टू इंटू थ्री। दोनों में जो कॉमन है वो ले लेना है, ठीक है। दोनों में जो कॉमन है वो पहले लेना है। तो एलसीएम में क्या है, ये दो कॉमन है ले लेना है, जो बचे हैं उसके बाद उसको भी ले लेना है। जैसे इन दोनों में कॉमन है तो दोनों को नहीं लेना है, एक को एक ले लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। ये दो कॉमन है इसलिए दो में से एक दो ले लेंगे, लेकिन अभी इसमें कॉमन नहीं इसलिए जो बचे हैं वो ले लेते हैं, तो ये 12 आ जाता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम आपका, इन दोनों का एलसीएम 12 हो गया। अब देखिए 12 में ध्यान रखिए क्या है, 4 है, ठीक है। 4 इंटू 3 में ये होगा, ठीक है। ये 4 इंटू, इसको ध्यान रखेंगे तो क्या देखेंगे, 12 इज इक्वल टू क्या हो, 4 इंटू 3 है। 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 4 है 3 नहीं है, तो 3 का ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस। फिर जो है अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब इसमें 6 है 2 नहीं है, तो यहाँ पे 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 9 माइनस 10 अपॉन 12, ठीक है। ये इज इक्वल टू आपका माइनस 1 बाई 12। फिर से समझा देते हैं, तो यहाँ पे बताया तो दूसरी तरह कैसे, मैं वही स्टेप बता रहा हूँ, 3 बाई 4 5 बाई 6, क्योंकि वो हमेशा काम देगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का, क्योंकि हीट एंड, इन दोनों का एलसीएम हमने निकाला 12 आ गया, तो आपका 12 को इसके लिए 4 इंटू 3 के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। तो यहाँ 4 कॉमन है तो 3 बच रहा है, 3 इंटू 3 माइनस कर लेंगे। इसी तरह एलसीएम है तो इसका मतलब 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये करें 4 से ये जो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद जो कोशेंट आता है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको भी, इसके लिए 6 इंटू 12 हो गया, तो इसका मतलब 6 6 है तो 2 बच रहा है, तो 5 इंटू 2 कर दिए, 9 माइनस 10 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 12, ये हो जाता है। और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ढेर सारे क्वेश्चन देखो होते हैं। तो अब इसमें कह रहा है कि, अब यहां पे कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ है, मेन ही नहीं है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन है। तो अब कोई भी फ्रैक्शन है तो इसमें कह रहा है कि कई तरह के फ्रैक्शन, उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। जैसे क्या है, 1 बाई 2 इंटू 3, 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3, ऐसा मल्टीप्लीकेशन है। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह का ऐसे मल्टीप्लीकेशन है, तो ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ, 2 अपॉन 6, या कह सकते हैं दोनों में 2 2 कॉमन है तो यहां पर भी हम काट सकते थे, या 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऐसा 1 बाई 3 आंसर आ जाता, ठीक है। इस तरह सिंपली है, इसको इस तरह कर लीजिए। यहाँ पे एलसीएम लेके बताया गया है, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर कोई इस तरह का है, 3 बाई 2 इंटू 4 बाई 3, इम्प्रॉपर है तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, तो सिंपली सी है, 3 टू 4 ऊपर, 2 टू 3, ये इसका कॉमन हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, सो इसका भी आंसर 2 आ जाता है ऐसा। इसमें भी वही है,
अब दो फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो वो देखना है, दो फ्रैक्शन कैसे डिवाइड होते हैं, ठीक है, कैसे डिवाइड होते हैं वो हमको चेक करना है। देखिए बताते हैं, यहां पे एक फ्रैक्शन एंड इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे 1/3 है, ठीक है, इट्स रेसिप्रोकल, इसका इट्स रेपो 3/1, उसका उल्टा कर दीजिए, उसका रेसिप्रोकल, और कोई फ्रैक्शन है और इसका रेसिप्रोकल है को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आता है, ठीक है, जैसे 1/3 इसका रेसिप्रोकल 3/1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 × 3, 3 × 1 वही तो हुआ 3/3 = 1, ठीक है। तो दो नंबरों का रेसिप्रोकल हो, जैसे a/b है, ठीक, इसका रेसिप्रोकल क्या हो, b/a, मल्टीप्लाई करिए a/b × b/a, तो a × b / b × a, तो ये होगा ab 1 आ जाता है। डिवीजन है तो जैसे क्या है, यहां पर रेसिप्रोकल 1/2 को 1/3 से डिवाइड करना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, इसको इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/1 हो जाता है, ठीक। सो ये हो जाएगा 1 × 3, 2 × 1, दैट इज 3/2, ये इसका मल्टी डिवीजन हो जाता है, ठीक है, इसका डिवीजन इस तरह हो जाता है। इसको और दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यहां पे कह रहा है 1/2 / 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/2 (1/3) तो इसमें क्या करते हैं, ये बाहर का जो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है और अंदर अंदर, सो इसका मतलब 1 × 3 यहां होता है, ये 2 × 1 होता है, इसका 3/2, इस तरह भी ये किया जा सकता है, तो दोनों तरीका है। इसी तरह 4/3 / 3/2, इसको करेंगे 4/3 × इसको उल्टा कर देंगे 2/3, उल्टा करेंगे तो रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, अब आपका 4 × 2 and 3 × 3, दैट इज 8/9, ऐसे हो जाता है डिवीजन, सिंपल होता है। अब कह रहा है कि अगर दो नंबर है उसमें ये बताना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, जैसे यहां पे 2/3 and 8/3, इसमें बताना है कौन सा बड़ा है, 2/3 and 1/3 कंपेयर करना है। तो अगर दोनों के डिनोमिनेटर समान है, दोनों के लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर समान है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा होगा, तो इस केस में क्या होगा, 8/3 > 2/3, ये बड़ा होगा क्योंकि दोनों में है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सिंपलेस्ट कंपेरिजन, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे से ऐसे हो जाएगा। लेकिन दूसरे में क्या है, अगर न्यूमरेटर सेम है, जैसे 1/3 और 1/4, तो दोनों के न्यूमरेटर सेम है, तो इसका जस्ट उल्टा होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है, वह छोटा होगा, जैसे इनमें क्या होगा, इनमें 1/3, ठीक है, is greater than 1/4, देखिए दोनों के ऊपर वाले तो समान है लेकिन नीचे वाला जो बड़ा होगा, ठीक है, वह छोटा नंबर होगा, ये कहने का मतलब, जस्ट पिछले वाले का उल्टा है। अब दूसरा एक, ये दो तरीका हो गया, ठीक है, ये दो तरीका हो गया, एक बार पहले में क्या है डिनोमिनेटर समान है और दूसरे में क्या है न्यूमरेटर समान है। अब लेकिन दोनों अगर अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, जैसे कि यहां पे 5/6 है और
13/15 है। अब इसमें बताइए कौन सा कौन बड़ा है कौन सा छोटा। इस केस में क्या होगा कि हम सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, किसी तरह डिनोमिनेटर सेम करना है हमको इसका और इसका। इसका तरीका क्या है, डिनोमिनेटर का जो है एलसीएम ले लीजिए, 6 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ताकि एलसीएम लेंगे तो उसी के हिसाब से बराबर करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं 6 का 3 × 2 हो जाएगा, 15 का 3 × 5 हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 कॉमन है इसलिए एक ही 3 आएगा, बाकी बचे कितने हैं 2 और 5, ये और मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना होगा 30। तो एलसीएम कितना आ गया 30। अब देखिए क्या करना है, अब आपका 5/6 और 13/15 इनके एलसीएम क्या आ गए, 30 आ गए, ठीक है। तो ये देखना है, अब इसमें यही या तो ये ध्यान रखिए इसके लिए क्या है 6 × 5 रखिए, इसके लिए क्या है 15 × 2, क्योंकि इस तरह अगर इसको सेम बनाना है तो 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको सेम बनाना है डिवाइड तो 2, इसका क्या मतलब हुआ, अब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। 5/6 को क्या बनाना पड़ेगा, 5 × 5/30 बनाने के लिए, और इसको क्या बनाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट पढ़ाया गया था इसीलिए ताकि बनाइए, ये हो गया। अब दोनों में 30-30 आ गया, ये भी हो गया 30, अब ये भी हो गया। अब जो है आपके पास दो फ्रैक्शन क्या आ गए, 25/30 आ गया और क्या आ गया 26/30। अब आप देख लीजिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है इसलिए कंपैरिजन हो जाएगा, इसका मतलब जिसका न्यूमरेटर ज्यादा है वह बड़ा होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हो गया 5/6 और 13/15 में ये 13/15 इज ग्रेटर देन 5/6। क्यों, 13/15 क्या है, 26/30 है, ये क्या है 25/30 है। सिंपल सी बात यही है ना, क्योंकि हमने इसको 30-30 बना लिया। तो ऐसे कंपैरिजन करेंगे, सभी का डिनोमिनेटर हमको सेम करना पड़ेगा तब जाके कंपैरिजन होगा। तो तीन तरह के नंबर हमने कंपैरिजन देख लिए, कि जिसमें पहला क्या था, डिनोमिनेटर सेम, दूसरा क्या है न्यूमरेटर सेम, तीसरा आपका क्या है, कोई नहीं है, ठीक है, इम्प्रॉपर है, ठीक है, अनलाइक है, ठीक है, अनलाइक है। इसमें अनलाइक है कि क्या मतलब, दोनों में ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इस वाले केस में डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जिसका ऊपर वाला बड़ा है, जैसे न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा होगा, अगर किसी के न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वह नंबर बड़ा होगा। अनलाइक है तो आपको एलसीएम करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, तब जाके आपको कंपैरिजन, या कहने का मतलब आपको किसी तरह से जो है दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे ताकि उनके डिनोमिनेटर सेम हो। और वो नंबर कैसे पता लगेगा, वो पता लगता है एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेने पे हमको एक बड़ा नंबर मिल जाता है, फिर उस नंबर से हम देखते हैं कि वो बड़ा नंबर प्राप्त करने के लिए हमको उसके डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीन चीजें हम लोगों ने कंपेरिजन में देख लिया। वही है, उसी तरह का है, कोई डिफरेंट नहीं। अब यहां कह रहा है कि हम इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, कोई फ्रैक्शन है उसके नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, सिंपली है देखते हैं। अब जैसे यही है 1/4 2/4 3/4, इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई नंबर है, कोई नंबर लाइन, जैसे यहां पर यह नंबर लाइन दी गई है, सपोज करिए हम कोई दूसरी नंबर लाइन बना देते हैं, ठीक है, यहां पर कोई नंबर लाइन बना देते हैं, ठीक है, यहां पे है, यहां पे इसका 0 है, यहां पे इसका 1 है। अब हमको रिप्रेजेंट करना ही है,
इसका मतलब ये देखने के में डिनोमिनेटर चार लग रहा है, इसका मतलब इस पूरे लाइन को चार बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। वो बांटने का तरीका आपको स्केल और प्रोटेक्टर की सहायता से, ठीक है, स्केल प्रोटेक्टर या स्केल और कंपास डिवाइडर की सहायता से किया जाता है, ठीक है, इसको सहायता से कर ले, स्केल से कर सकते हैं कि देख लीजिए एक है तुसी का 20 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, उसको स्केल में देख देख के चार बराबर भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे इसके पहले दो बराबर भागे हम कर लिए, फिर इनके दो बराबर, क्योंकि डिनोमिनेटर चार है इसको चार बराबर, तो इसका 1/4 है, ये 1/4 कहलाएगा, ये आपका 2/4 होगा, ये 3/4 होगा, और ये 1 को 4/4 कर सकते हैं क्योंकि ये कटने से 1 ही आ जाता है। ऐसे इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ज्यादा बड़ी टेक्निक और आगे क्लासेस में सिखाई जाएगी, आपकी क्लास में जितना है वो बताया जाएगा। प्रोटेक्टर कंपास की सहायता से बना सकते हैं, थोड़ा सा हिंट आपको दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 0 है 1 है। क्या करते हैं हम, यहाँ पे कंपास रखते हैं, इसका नीडल रखते हैं और पेंसिल रखते हैं, इससे क्या यहाँ नीडल रखते हैं, नीडल रख के यहाँ पेंसिल से इसको एक ऐसे गोला लगा देते हैं, ठीक, ऐसे एक गोला, ठीक, या कह सकते हैं यहाँ नीडल रख के एक गोला यहाँ पे ऐसे ऊपर लगा देते हैं, ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे नीडल, नीडल रख के यहाँ पेंसिल रख के एक एक पार्ट ऐसे लगा देते हैं और एक पार्ट यहाँ हम लगा देते हैं, फिर यहाँ पे नीडल रख के पेंसिल दूसरा पार्ट हम, दूसरा पार्ट हम क्रॉस करते हैं, यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पर क्रॉस, अब इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो इन दोनों को हम जो जोड़ते हैं तो ये क्या करती है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक, ये ओ ए है, अगर कोई ये ए पॉइंट हो जाए तो इसका मतलब ओ ए, और ये पॉइंट अगर बी है तो इक्वल टू ए बी हो जाता है, तो अब ये आधा हो गए, तो ये 1/2 हो गया। फिर इस लाइन में फिर से वही स्टेप दूर आते हैं, यहाँ पे नीडल लग के यहाँ कैंपास लगाते हैं, इसी तरह यहाँ लगाते हैं, तो ये भी डिवाइड हो जाता है, ये आपका 1/4 हो जाता है, ठीक, ये 1/4, 2/4 का मतलब 1/2 का मतलब 2/4 भी हो सकता है, ठीक, फिर इसी तरह इसमें करेंगे ऐसा ऐसा, तो आपका ऐसा ये तो हो जाता है, अगर आपको स्केल की सहायता से कर लेना है, ठीक है, एक एक सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, उसी को छोटी छोटी लाइनों को गिन के आधा कर लेते हैं, उससे कर लेंगे। सो आपका जो है यहाँ पे ये पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स देखेंगे, टिल देन थैंक्स।